शेमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आप सही थी, आपने हमारा बच्चा गिराने की कोशिश नहीं की थी। क्यों यकीन नहीं करा हमने आपकी बात का? इतना कुछ किया आपने हमारे लिए, आपको खुश रखने का वादा किया था हमने, क्या किया? निकाल दिया घर से बाहर, अकेला छोड़ दिया आपको। कितना मजबूर किया हमने आपको, क्यों नहीं किया हमने आपका भरोसा? क्यों नहीं किया हमने आपका भरोसा? हमने अपनी हस्ती खेलती जिंदगी अपने हाथों से ही खराब कर ली। आपके प्यार के बदले हमने क्या दिया आपको? ये अकेलापन कैसे जिएंगे? कैसे जिएंगे हम? कैसे जिएंगे हम? आप बताइए, इस बोझ के साथ हम कैसे जिएंगे? नहीं जी पाएंगे हम, मर जाना चाहिए हमें। मर जाना चाहिए, हमको मर जाना चाहिए। शिवांश, गोली से पुंदरों को अलग करने के लिए चलाई थी। अलग करने के लिए? अगर शिवांश को लग जाती तो क्या होता? शिवांश, तुम ठीक तो ना? तुम्हें लगी तो नहीं? ठीक तो तुम? खराब? दीदी, तुम तो इसका नशा छुड़वा रही थी ना? तो जेल से यहाँ लाकर शराब पिला रही हो? तुम गलत समझ रही हो। दुल्हन, ये क्या तमाशा है? ये शराब की बोतल यहाँ क्या कर रही है? ये नशा मुक्ति अभियान हमने जिंदगी में पहली बार देखा ऐसा कि खुद छुड़ाते छुड़ाते खुदा ही पीना शुरू कर दिया। तुम्हारे ही होठों के निशान है ना? आपकी बेचारी बहू खुदा ही चालू है आपके पोते के साथ। और क्या कहकर आई थी कि हम उसकी दारू छुड़वाना चाहते हैं या उसके साथ वक्त बिताना चाहते हैं, उसके साथ भागना चाहते हैं? खैर, बच्चा गिराने की पहली साजिश काम नहीं आई तो ये तरीका अपनाया है? बस बस, बहुत बोल लिया आपने। श्रावणी ने कभी हमारा बच्चा गिराने की कोशिश नहीं की। क्या? हाँ अम्मा, ये सच है कि श्रावणी ने कभी हमारा बच्चा गिराने की कोशिश नहीं की, ना कभी उसने हमें धोखा देने की कोशिश की। और आज हम तो जिंदा है ना, और श्रावणी की बदौलत जिंदा। आप जानना चाहती हैं कि हमें किडनी किसने दी? हमको किडनी
रोहन ने दी है। रोहन ने? हाँ अम्मा, रोहन ने दी हमें किडनी और इसीलिए शरवणी ने उससे शादी की। अम्मा, शरवणी ने जो कुछ भी किया हमें बचाने के लिए किया, उसने कभी हमको धोखा देने का नहीं सोचा और ना ही कभी हमारा बच्चा गिराने का सोचा। फिर किसने किया ये सब? वही तो बात है अम्मा, बस एक बार पता चल जाए किसने हमारा बच्चा गिराने की कोशिश की है, अम्मा हम कसम खा के कहते हैं कि जिंदा गाड़ देंगे उसको। ये कैसी काया पलट है, इसे कैसे पता कि श्रवणी ने बच्चा नहीं गिराया? कहीं इसे श्रवणी ने सब कुछ सच तो नहीं बता दिया? माना कि श्रवणी ने बच्चा गिराने की कोशिश नहीं की, पर अब क्या कर रही है? शराब गर्भवती महिला के लिए बहुत हानिकारक है, ये क्या कोशिश नहीं है बच्चा गिराने की? अरे आप सब लोग गलत समझ रहे हैं। देखिए अम्मा, इस बोतल में शराब नहीं है बल्कि चाय का पानी है, चाय का पानी। बस हो गया, अब घर चलो। चिंता शराब की नहीं, कुछ और की है। चलो। गलती तो हमसे हुई है शिवू, आंख पर पट्टी बंधी थी, बच्चा गिराने की बात पर हमने कैसे विश्वास कर लिए? और दुल्हन, तुमने रोहन से शादी कर ली, पता ही नहीं था कि रोहन किडनी दे रहा है। और इसलिए तुमने बाल सफेद हुए, आंखें धुंधली हो गई है, लेकिन तुम जैसे दुल्हन को अब पहचान नहीं पाए। सिपू की जान बचा के तुमने तो हमें आवे खरीद लिया। नहीं अम्मा, आप ऐसा मत बोलिए प्लीज। अम्मा ठीक कह रही है श्रवणी, गलती तो हमसे हुई है और हमारी गलती माफी के लायक नहीं है, लेकिन हम आपसे इतना जरूर कहेंगे कि आपने हमें बचाने के लिए जो इतना बड़ा त्याग दिया है, इतना बड़ा बलिदान दिया है, उसका सम्मान हम करेंगे। आपकी दी हुई जिंदगी हम सही से जिएंगे, हम वादा करते हैं आपसे कि आज के बाद दारू को देखेंगे भी नहीं और ना हाथ लगाएंगे, हम वादा करते। हाँ अम्मा, नहीं पिएंगे आज की बात दारू। रोहन, तुम्हारा हमारे पर बहुत बड़ा एहसान है, हमसे जो गलती हुई है हम तुमसे माफी मांगते हैं, लेकिन हमारी शरवणी को हमें लौटा दो। हम उसके बिना जी नहीं सकते, आजाद कर दो उसको इस रिश्ते से, और इसके बदले तुमको जो सजा देनी है ना तुम हमको दो, हम भुगतने को तैयार है हर सजा, लेकिन शरवणी को लौटा दो हमें वापस, हम नहीं जी पाएंगे उसके बिना।
मजाक चल रहा है यहाँ पर? मजाक चल रहा है यहाँ पर? सिर्फ तुम्हारी जिंदगी है और सिर्फ श्रवणी की जिंदगी है और हमारी बेटी की जिंदगी, तुम्हारा बच्चा सुन सुन के थक गए, और हमारा बच्चा, उसका क्या? और अम्मा जी, आप आई थी ना हमारे पास, आप चाहती थी ना कि आपका पोता हमारी बेटी से शादी कर ले, तो अब आप जिम्मेदार हैं कि हमारी बेटी का घर ना टूटे। काहे कि हमारी बेटी रोड पर नहीं खड़ी है यहाँ पर, कि जब चाहा उसका हाथ थाम लिया, जब चाहा उसे छोड़ दिया। अब फैसला आप लेंगी, नहीं तो हमें लेना पड़ेगा। और उस आदमी ने तो अपनी किडनी निकाल के इसको दे दी, एहसान परामोश कहेंगे? छोटी, तो हमारी बात सुनो, हम जानते हैं कि हमने तुम्हारे साथ गलत किया, हमने तुमसे शादी की, कभी तुम्हें बीवी का दर्जा नहीं दिया, हम जानते हैं कि हमसे गलती हुई है, छोटी, अब तुम्हारे आगे हाथ जोड़ के हमें माफ कर दो। इस रिश्ते से हमें आजाद कर दो। श्रवणी, हम ठीक कह रहे हैं ना? हाँ श्रवणी, इन शादियों में कोई खुश नहीं रह पाएगा। हाँ हम सही कह रहे हैं ना? आप कुछ बोलिए ना, ऐसे चुपचाप क्यों खड़ी है श्रवणी? क्या चाहते, क्या हो तुम? वो क्या बोले, उससे क्या पूछ रहे हो? शिवांश, हम आपकी खुशी के लिए दो जिंदगियां बर्बाद नहीं कर सकते। स्वीटी हमारी बहन है और रोहन वो है जिसकी वजह से आज आप जिंदा खड़े हैं, सांस ले पा रहे आप। हाँ शर्मी, हम जानते हैं ये बात, हम जानते हैं, लेकिन इस रिश्ते में कोई खुश नहीं है, ना कोई खुश हो सकता है। कोई? या फिर आप शिवांश? श्रवणी, हाँ हम दोनों एक दूसरे के लिए बने ना श्रवणी? पता नहीं शिवांश, हमें आपकी परवाह है, आपको यूं अपनी जिंदगी बर्बाद करते नहीं देख सकते। सच है ये, लेकिन एक और सच भी है, दोबारा कभी आप भरोसा भी नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं। हमारा रिश्ता जानते क्यों टूटा? किसी गलत फहमी की वजह से नहीं टूटा, इसलिए टूटा क्योंकि आपका भरोसा कच्चा था। आपने शिवांश, आपने हम पर भरोसा नहीं किया। नहीं किया हम पर भरोसा? आपको जब गुस्सा सवार होता है ना शिवांश, तो आप हमारी एक बात नहीं सुनते। इतनी आसानी से आपने मान लिया, इतनी आसानी से कि हम अपना बच्चा गिरा देंगे? नहीं श्रवणी, उससे बहुत बड़ी गलती हो गई श्रवणी, उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। इतनी आसानी से हमारी आंखों के सामने स्वीटी के साथ फेरे ले लिया आपने, इतनी आसानी से शिवांश। और पता है क्या, हम आगे भी यही खड़े होंगे इसी जगह पे, और यही होगा फिर से, और एकदम अकेले खड़े होंगे हम जैसे आज खड़े। नहीं शरफ, नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा दोबारा नहीं होगा शरफ जी, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं शरफ जी, बहुत प्यार करते हैं, आपके बिना जी नहीं पाएंगे। जानते हैं शिवांश, जानते हैं कि आप हमसे बहुत प्यार करते हैं,
लेकिन इस प्यार को निभाने के लिए जो ठहराव चाहिए, जो भरोसा चाहिए ना, नहीं है आप में। और अब हम और अग्नि परीक्षा नहीं दे पाएंगे शिवांश, नहीं दे पाएंगे। अग्नि परीक्षा? आप क्यों देंगे अग्नि परीक्षा? हम देंगे अग्नि परीक्षा। हम साबित करेंगे कि हम आपसे कितना प्यार करते। अब आपके प्यार के लिए हर परीक्षा हम देंगे। मम्मी, मम्मी, शिवांश क्या हमें सच में छोड़ देगा? वो क्या श्रवणी के पास चला जाएगा? तुम सो जाओ, सोचो मत ज्यादा। ये लो अम्मा जी, दवाई खा लीजिए। असुदा, हमें माफ कर दो। नहीं अम्मा जी, ऐसा मत कहिए। होने का लिखा कौन टाल सकता है? अब आप ज्यादा मत सोचिए, आप सो जाइए थोड़ी देर। तुम जाओ, हम सो जाएंगे। नहीं अम्मा, हम आपको ऐसे परेशान छोड़कर नहीं जा सकते। ऐसा करते हैं, आज हम आपके साथ आपके कमरे में ही सो जाते हैं। आप सो जाओ, ठीक है? लेटो, चलो लेटो। आशीर्वाद दीजिए कि अग्नि परीक्षा में हम सफल हो सके। जय माता रानी की। इतनी रात को शंख कौन बजा रहा है? ये दरवाजा कैसे बंद हो गया? क्या हुआ? अम्मा जी, किसी ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया है। कोई होगा पागल स्वीटी, छोड़ो ना, सो जा। नहीं मम्मी, हम देख कर आते। Let's go.
शिवो, शिवो क्या कर रहा है? कोयले पे घी? शिवांश, शिवांश क्या कर रहे हैं आप लोग? देख लीजिए आप, आज हम आपके लिए अगली परीक्षा देने के लिए खड़े हैं। अग्नि परीक्षा? हमने आपसे कहा था कि अब हर परीक्षा प्यार की हम देंगे, अपनी ईमानदारी की परीक्षा। अगर हमारा प्यार झूठा निकला, हम जल गए इसमें, फिर बेशक आप हमें ठुकरा देना। अगर हम सही साबित हुए, नहीं जले, तो फिर हम सब कुछ आप पे छोड़ते हैं। शिवू मान जाना, मत कर ऐसा। नहीं माँ, आज हमें ये अग्नि परीक्षा देनी होगी। अगर हमने ये अग्नि परीक्षा नहीं दी तो ये हमारे प्यार का अपमान होगा, शरवणी के त्याग का अपमान होगा। मम्मी, मम्मी जल्दी उठो, मम्मी। हाँ, मम्मी, शिवांश को हम देखकर आए खिड़की से, नीचे ना वो कोयले पे घी डाल रहा है, पता नहीं वो क्या करने वाला है, कहीं अपने आप को जला ना ले। मम्मी, मम्मी कुछ करना पड़ेगा, आप चलिए मम्मी, आ जाओ जल्दी। मम्मी देखो, किसी ने दरवाजा बंद कर दिया। अरे हाँ, मम्मी पुलिस को कॉल करते, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? तो क्या करे, उसे आग पर चलने दे। चलने दो? नहीं मम्मी, ऐसा नहीं कर सकते, शिवांश को ऐसे जलने नहीं दे सकते, वो हमारा पति है। पति था, और अगर ये अग्नि परीक्षा हो गई ना तो श्रवणी का पति हो जाएगा। इसके पैर ना जलने ही दो, कहे कि इन्हीं दो पैरों से ना चल कर जाएगा श्रवणी के पास, देख सकोगी फिर। और मर भी जाए तो क्या, स्वीटी को तो नया खिलौना ला देंगे, लेकिन श्रवणी का बर्बाद होना बहुत जरूरी है। श्रवणी छोड़ो, बेकार की कोशिश है, दरवाजा बाहर से बंद, और शिवांश जो कर रहा है उसे करने दो, देने दो अग्नि परीक्षा, हो जाएगा जो साबित होना है। क्या साबित होगा रोहन, क्या साबित होगा इससे? इससे तो युग नहीं है, शिवांश जा सकते हैं। क्यों, अब क्या हुआ तुम्हारे विश्वास का? माता रानी पर अटूट विश्वास है ना तुम्हें? हमें माता रानी पर आज भी उतना ही विश्वास है रोहन, लेकिन ये खतरनाक है, जान लेवा है, शिवांश को कुछ हो सकता है। तुम प्लीज हमारी मदद करो, दरवाजा खोलो प्लीज, तुम एक काम करो, दरवाजा तोड़ दो। हटो, माता रानी शिवांश को कुछ ना हो। तुम्हें जो करना है कर लो शिवांश, जो अग्नि परीक्षा देनी है दे दो, लेकिन हमसे जीत नहीं पाओगे, क्योंकि तुमसे पहले अपने किडनी देकर एक अग्नि परीक्षा हम दे चुके हैं। शिवानी, आज हम नहीं रुकेंगे। शिवांश प्लीज रुक जाइए, शिवांश को आपके हाथ जोड़ते हैं। शिवांश हे माता रानी, अब आप ही हमारी मदद कीजिए, अब आप ही किसी को भेजे जो शिवांश को रोक सके, हमारी मदद कीजिए माता रानी। शिवांश रुक जाइए। आज हम अग्नि परीक्षा देके रहेंगे,
अगर आप आगे बढ़ी ना तो हम ये अग्नि परीक्षा खत्म होने से पहले खुद को गोली मार लेंगे। जो दुख हमने आपको दिए उसके लिए ये प्रायश्चित हमें करना ही होगा। आपकी अपनी श्रवणी का हौसलों भरा सफर देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शेमारू उमंग।